हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ इंटेलिजेंस विद साथ खान। मैं आपके लिए मैथ की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में समझाऊंगा। व्हाट इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है? व्हाई इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इम्पोर्टेंट? कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों ज़रूरी है? Which are the steps in the process of completing the square? Completing the square के अमल में कौन से steps हैं? तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। Exercise number 1.1. Solve the following equations by completing square. Before solving these questions, first of all, we will discuss and learn about completing square method. What is completing square method? Completing the square methods, one of the methods to find the square roots of the given quadratic equations. Completing the square method, दी गई quadratic equations के square roots को तलाश करने के तरीकों में से एक है। In this method, we have to convert the given equation into a perfect square. इस तरीके में हमें दी गई equation को perfect square में तब्दील करना है। We can also evaluate the roots of the quadratic equation by using the quadratic formula. हम quadratic formula का इस्तेमाल करके quadratic equations के roots भी मालूम कर सकते हैं। Why is completing the square important? Completing the square क्यों ज़रूरी है? Completing the square is useful because it gives us an alternative to the quadratic formula and can even solve problems that the quadratic formula cannot. Completing the square इसलिए अहम है क्योंकि ये हमें quadratic formula का मुतबादिल फराहम करता है और वो मसाइल भी हल कर सकता है जो quadratic formula नहीं कर सकता। Which are the steps in the process of completing the square? Completing the square के अमल में कौन से steps हैं? There are three steps to solve the completing the square method. Completing the square method को हल करने के तीन steps हैं। Number one, divide all terms by the coefficient of x square. सबसे पहले हम जो coefficient of x square है, पूरी equation को, पूरी term को उसके coefficient of x square के साथ हम divide करेंगे. Step number two, move the number term constant to the right side of the equation. Second step में हम जो constant value होगी, उसको हम right side में ले जाएंगे. Step number three, complete the square on the left side of the equation. हम left side में square को complete करेंगे and balance this by adding the same value to the right side of the equation. और उस square को हम right side में भी add करेंगे क्योंकि math का rule है जो step हम left side में करेंगे वही हम right side में करेंगे। अगर हम किसी चीज़ को left side में add करेंगे तो वो हम right side में भी अमल करेंगे और अगर हम उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी हम एक साइड में अमल करेंगे तो वही स्टेप हम दूसरी साइड में भी करेंगे। हाउ कैन वी कंप्लीट द स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन? अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने लेफ्ट साइड में हमने स्क्वायर को कंप्लीट कैसे करना है। देयर आर फोर स्टेप्स टू कंप्लीट द स्क्वायर। अब स्क्वायर को कंप्लीट करने के भी फोर स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन, टेक हाफ ऑफ द कोफिशिएंट फॉर एक्स एंड स्क्वायर इट। सबसे पहले जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा उसका हम हाफ लेंगे, यानी कि हम उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। स्टेप नंबर टू, एड द स्क्वायर टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन।
और जो हम 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करके उसका स्केयर लेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लेफ्ट साइड में भी ऐड करेंगे और वही अमल हम राइट साइड में भी करेंगे, यानी कि जो हम लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे उसी को हम राइट साइड में भी ऐड करेंगे। स्टेप नंबर 3, फैक्टर द परफेक्ट स्केयर ट्राइनोमियल। जब हम लेफ़्ट साइड में स्केयर कंप्लीट करेंगे तो उसको हम फार्मूले की शक्ल में लिख देंगे, यानी कि जो हमारे पास फार्मूला बनेगा x प्लस वाई का होल स्केयर या x माइनस वाई का होल स्केयर। स्टेप नंबर 4, टेक द स्केयर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अब स्केयर को कंप्लीट करने के लिए और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसका स्केयर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। जो अमल हम लेफ्ट साइड में करेंगे वही स्टेप हम राइट साइड में करेंगे। तो आइए अब हम एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 7x² + 2x - 1 = 0। सॉल्यूशन, 7x² + 2x - 1 = 0। अब इसमें हमारे पास जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर है ये हमारे पास 7 है, इसको हमने सबसे पहले 1 करना है। तो 1 करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, हम होल इक्वेशन को कोफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर, यानी कि हमारे पास 7 है, हम 7 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड होल इक्वेशन टू द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर टू मेक 1 कोफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर। हम इसको 1 बनाने के लिए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर को हम होल इक्वेशन को 7 पे डिवाइड करेंगे। स्टेप नंबर 1, 7/7 × x² + 2/7 × x - 1/7 = 0/7। x² + 2/7 x - 1/7 = 0। 0 को जिसके किसी भी वैल्यू के ऊपर डिवाइड हम करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। अब स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास था कि हमने कोफिशियंट कांस्टेंट वैल्यू को हमने राइट साइड में लेके जाना है। स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप टू मूव द नंबर टर्म कांस्टेंट टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, x² + 2/7x - 1/7 = 0, x² + 2/7x = 1/7। अब थर्ड स्टेप था हमारे पास, उसके अंदर हमने कोफिशियंट ऑफ x का हाफ लेना था। थर्ड स्टेप इज टू कंप्लीट द स्केयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एंड बैलेंस दिस बाय एडिंग द सेम वैल्यू टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। हम लेफ्ट साइड में स्केयर को कंप्लीट करेंगे और देन उसको बैलेंस करने के लिए हम वो स्टेप राइट साइड में करेंगे। इसके फर्दर 4 स्टेप्स हैं। x² + 2/7x = 1/7। थर्ड का स्टेप नंबर 1, 1/2 × 2/7 = 1/7² हमने 2 कोफिशियंट ऑफ x हमारे पास 2/7 था, इसका हमने हाफ किया, यानी कि इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और पूरे हमने इसका स्केयर ले लिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1/7 का स्केयर रह गया। तो अब हम स्टेप नंबर 2 में हम इसको लेफ्ट साइड में भी ऐड करेंगे और राइट साइड में भी। x² + 2/7x + 1/7 = 1/7 + 1/7 2/7 1/7 हमारे पास राइट साइड में था तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने 1/7 का स्केयर राइट साइड में भी ऐड कर दिया। थर्ड स्टेप में हम इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे। x + 1/7 = 1/7 + 1² = 1 और 7² = 49। x + 1/7 = इसका हमने एलसीएम लिया 7 + 1/49।
x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ओवर 49। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्टेप नंबर 4 में इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्टेप नंबर 4, x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 8 ओवर 49 का होल अंडर रूट। x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 7। जब हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो राइट साइड में प्लस माइनस का सिंबल आ जाता है। तो हमारे पास 8 था, 8 को हम अगर 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आता है, तो हमने इसको 3 टाइम्स 2 लिख लिया। और इसी तरह 49 था, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49 हमने लिख लिया। x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट से 2 का स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 अंडर रूट 2 ओवर 7 x प्लस माइनस 1 ओवर 7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7। x इज इक्वल टू 7 हमने इसका एलसीएम लिया, 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 सोल्यूशन सेट 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7। सोल्यूशन सेट को हम हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट्स में लिखा है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ इंटेलिजेंस विद साद खान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की घंटी को भी बजा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आप हमारी पिछली वीडियोस एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पार्ट 1 पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप चैनल का विज़िट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।